बलरामपुर में निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार केंद्रीय नोडल अधिकारी जल शक्ति अभियान विजयराज मोहन द्वारा विकास भवन सभागार में जल शक्ति अभियान के तहत जल संरक्षण के संबंध में गहन समीक्षा की गई तथा जनपद के भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण, कृषि आधारित भूमि, नहरों, नदियों, नालों, अमृत सरोवर, जल संचय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी ली गई। इस दौरान नोडल अधिकारी को प्रोजेक्टर के माध्यम से जनपद बलरामपुर की भौगोलिक स्थिति, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों, चेक डैम, कृषि क्षेत्रों, जल संरक्षित क्षेत्रों, अमृत सरोवर निर्माण कार्य आदि के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि जल के एक अमूल्य निधि वर्षा जल संचयन है, इसे बचाने की विधि। उन्होंने कहा कि भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विकास कार्य हेतु नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी फसल बीमा योजना में स्वयं रुचित लेकर कार्य कर रहे हैं। उनकी निगरानी प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर रहती है। उनका मुख्य उद्देश्य जल को साफ सुथरा बनाना, जल को संरक्षित करना है। देश की 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, इसीलिए जल में वृद्धि करना है। खेतों में तकनीक का प्रयोग करके जल को संरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन कर किसान भाई अच्छी आमदनी कमा सकते हैं और वर्षा के जल को भी संरक्षित कर सकते हैं, इसीलिए जनपद के सभी विकास खंड स्तर पर कैंपेन कराकर आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य किया जाए। पहले था, अभी रिनोवेट हुआ, कब रिनोवेट हुआ? 2003। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।